नमस्कार। आज जो कार्ड हम लोग पढ़ेंगे वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स हमसे क्या कहते हैं। सो पिक्चर में टू ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखाई दे रहा है। एक आदमी है जिसके हाथ में दो पेंटिकल्स हैं, इन्फिनिटी का साइन है और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पेंटिकल्स को आपस में जिगलिंग कर रहा है। दो चीजें हैं, दो ऑप्शन हैं, जिगलिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। पीछे वेव्स हैं और वेव्स के ऊपर शिप है और दोनों ही शिप्स आराम से सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं मतलब तैर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। सो ये कार्ड जो है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स जो है ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। दो ऑप्शन हमारे पास है। ऑब्वियसली जो पेंटिकल्स हैं वो हमारे मनी मैटर्स को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में भी बात करी। सो इसके साथ साथ ये बैलेंसिंग की बात भी करता है, डिसीजन मेकिंग की बात करता है, बैलेंसिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। ये बात करता है कि यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर फिनेंसेस, यू आर एक्सप्लोरिंग योर फिनेंशियल ऑप्शंस, या ऐसा आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके फिनेंसिस को इफेक्ट करेगा, या आपकी जो ये जितने भी डिसीजन हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिनेंशियल डिसीजंस को इफेक्ट करने वाले हैं, उसकी तरफ ये इंडिकेशन देता है। पर एट द सेम टाइम जो जगलिंग करते हुए इन्फिनिटी का साइन बनता है वो भी अबेंडेंस के बारे में बात करता है। ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आप ठीक से एफर्ट करोगे और सही से प्लानिंग करोगे तो आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। यस, आपके पास अभी दो ऑप्शन है, आप उन दो ऑप्शंस में आपको डिसीजन लेनी है, पर ठीक से प्लानिंग करो, ठीक से चीजों को समझो और उसके बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन यस, ये कार्ड आपसे कहता है कि अब दिस इज द टाइम टू टेक अ डिसीजन, विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन चीजें नहीं सुधरेंगी। दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजन, अपनी प्लानिंग और एफर्ट के साथ डिसीजन लेने का यही सही टाइम है, ऐसा ये कहता है। ये जॉब करियर या बिजनेस के केस में भी हमेशा दो ऑप्शन दिखाता है, या तो आपके पास दो ऑप्शंस हाथ में दो जॉब्स हैं, या आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके पास दो करियर की लाइनें हैं। सो उन दोनों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना। ऑब्वियसली पेंटिकल्स हमारे बिजनेस के बारे में भी बात करता है, तो हमारे चाहे वो जॉब हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो करियर हो, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू गिव अस मनी, गिविंग अस द फिनेंशियल सपोर्ट। तो जो भी हम डिसीजन लेंगे इन केसेस में हमारे फिनेंसिस को इफेक्ट फ्यूचर में करने वाले हैं। पर अगर आपके पास दो जॉब है तो भी आप एक डिसाइड करोगे तभी बात आगे बढ़ेगी, एक ज्वाइन करोगे और पैसे कमाने शुरू करोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे हाथ में तो दो जॉब है और ऐसे करके आप टाइम नहीं निकाल सकते। यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे इस जॉब में जाना है या उस जॉब में जाना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यू हैव टू ऑप्शन, बट नाउ प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये कई बार ऐसा भी कहता है कि यू नीड टू मेक मूव, आगे बढ़कर सही डिसीजन लेने की जरूरत है और अपने फिनेंशियल आउटकम्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ लवर रिलेशनशिप में भी ये आपसे यही कहता है कि यस, फाइनेंसेस आर समवेयर इफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। यस, कुड बी एनीथिंग, हो सकता है कि फिनेंसेस कैसे हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम रिलेशनशिप में हैं, हमारी शादी चल रही है, हमें एक्चुअली इमोशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट टू शिफ्ट अ न्यू हाउस, वी नीड मनी फॉर दैट, दैट कैन बी अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यू वांट टू इंक्रीज योर फैमिली, आप अपने फैमिली लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, उसमें एक बेबी प्लान करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली देयर इज अ एक्स्ट्रा फिनेंसेस नीडेड। तो हो सकता है दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ जहाँ पे आपके फिनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, या हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, वो आपके डिसीजन मेकिंग के बारे में, इस तरीके की बातें हो सकती है। इस तरीके से फिनेंस आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती है। तो फिर अगेन, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हम इस केस में भी अपने क्लाइंट को यही सलाह देंगे कि स्टे फोकस्ड,
फोकस करो कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी डिसाइड करो एंड डिसीजन करो, दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन. सिंगल्स के केस में भी ये हमेशा फाइनेंसिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल हर्डल्स आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो हम हमेशा सलाह देते हैं कि अपने आप को फाइनेंशियली पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचो. सो अगेन टू सम अप, दिस इज अ बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है. सो टू ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन इसकी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्कार.